ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਔਰ ਕਬ ਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਇਹ ਜੁਰਾਤੀ ਤੋਂ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका भाई एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ओहो, दिस इज नईम अमजद, यू आर वाचिंग स्ट्रीट स्पाइस ऑफ फैसलाबाद। गलत स्टार्टिंग हो गई है तो चलो अब वापस अपनी पे आ जाते हैं। हाँ जी, आज का व्लॉग बनाने हम जा रहे हैं फैसलाबाद के सबसे फेमस जकास किस्म के चपली कबाब पे। तो आइए आपको साथ लेके चलते हैं। आज के व्लॉग में हमें ज्वाइन किया है ये वाले भाई ने। हेलो एवरीवन, ये हमारे साथ ही होंगे। पता नहीं इन रोटी मिल दिया कि नहीं है साढ़े नाल ये जलालत फैसलाबाद बाबा जी फैसलाबाद नहीं रोटी भी मिलेगी, टेंशन ना लाए। असल में भाई आए हुए हैं पाकपतन से यहाँ पे। मैंने बोला चलो यार आज चपली कबाब खाने जाते हैं। पार्टनर हमारा आ रहा है उस्मान साजिद वहाँ पे, तो बेसिकली वो दूसरी तरफ रहता है, मैं एक अलग कॉर्नर पे रहता हूँ, तो वहाँ पे फिर हम मिलते हैं। तो आगे का व्लॉग इंशाल्लाह फिर वहाँ पे हम दोनों ही स्टार्ट करेंगे। चलें लेके जाते हैं चपली कबाब की तरफ। खुशबू तो आ रही होगी आपको। सब प्याज साइड पे कर रहे हैं, रात को नहीं खाते। मैं आई है मामा, इतने प्याज खाया ना घूमता मलिक। ये हमारी कमीनी रोटियां आ गई। ये नाल कर कमीनी रोटियां में सिखो तो ना नहीं लो यार, शुरू तो रहे वो आप मेरी है बड़ी गाने में बाबा ते रोटी बहुत कर। इन प्याज ना खाएं, खा के बताएं कैसे हैं। जी हसन कैसे हैं? अच्छे। थोड़ा रायता लेंगे, थोड़ा सा प्याज लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा कटा रही बन हो गया रही ये लेके। बहुत टेस्टी है और देखिए इतना नरम चपली कबाब है। खान साहब नाम क्या आपका? शेर अमान। शेर अमान, और कब से बना रहे हैं आप ये? 1984। अच्छा, और यहाँ पे कितनी देर होगी मंसूराबाद में? मंसूराबाद में 1 साल हो गया। 1 साल। अपना एड्रेस बता सकते हैं अगर किसी ने आना हो तो? मंसूराबाद किया था टूटा बाजार। अच्छा, और चपली कबाब का क्या नाम है? शावरी चपली कबाब। पिशावरी चपली कबाब। थैंक यू। जी जिस तरह मलिक साहब ने रिव्यू दे दिया, इंतहाई डिलीशियस किस्म के चपली कबाब है फैसलाबाद में। इस तरह के कबाब मैंने फैसलाबाद में कहीं और नहीं देखे।
तो आप भी जरूर आइएगा, एड्रेस वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहाँ से देख के आप आ सकते हैं। इसीलिए इन भाइयों का जो एक्सपीरियंस है चपली कबाब का, ये 1984 से बना रहे हैं और टिल ये अभी भी बना रहे हैं।